वेलकम एवरीवन, सबका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। सबका स्वागत है। हू मूड माई चीज, यह प्रोग्राम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और मेरी आवाज आ रही है ऐसा मैं समझता हूँ। आवाज मेरी आ रही होगी तो डालना है यस। यस, प्रवीण वर्मा जी है तो सबका स्वागत है। और जो लोग पिछले सेशन में थे, अभी हमारा ये थर्ड सेशन है, राइट। वो मूड माई चीज, मेरा चीज किसने हटाया, तो आपको उसमें से क्या याद आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? कुछ याद आ रहा होगा तो बताइए कि आपको कुछ याद आ रहा है। क्या करता हूँ तो मैं क्या करता हूं कि आपको बोलने का मौका देता हूं, तो आपका हाथ ऊपर है। ओके, एक मिनट, जैसे एडजस्ट कर रहा हूं मैं। इकड़े इकड़े का ब्रांड लेते, इकड़े हस्त ना नहीं पता कैसे के लिए इकड़े टिकड़े इकड़े आ रहे थे, बंद कर दूं। ये हस्ते की नहीं पट्टी ही इसे हस्ते। हाँ पता करिए, उल्टे उल्टे के लंदे पट पट के लंदे पड़े गए। हाँ, अरे नहीं, सुंदर पट्टी। एक मिनट है, जैसे एडजस्ट कर रहे हैं। हाँ ये थोड़ी छोटी कर रहा है। अजून 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 इकड़े मोटी। हाँ थोड़ी खाली वर्तुन। हाँ अजून अजून थोड़ा खाली, अजून खाली। हाँ बस ठीक है। ये इकड़े ये है, ये जाए कि नहीं है आप कुरुण इकड़े ये। यस, किरण बनाते बोलिए। हेलो सर। हाँ यस, सर मैंने मीनो पेमेंट केलेला सर, पण मला डॉक्टरांचा फोन नाही आलेला सर। हॅलो, हा स्ट्रेस फ्रीचा कार्यक्रम आहे याच्यात, फक्त स्ट्रेस फ्री बद्दलच बोला सध्या। ते हॉस्पिटलच्या नंबरवर कॉल करा। हॉस्पिटल नंतर बोला तुम्ही, 9822570101 हा जो नंबर आहे त्या नंबरवरती कॉल करा। हा कार्यक्रम तो नाही आहे, ठीक आहे ना? तुम्ही यस, यस सुनीता जी बोलिए। हाँ आपने ये बताया था कि जो दो रेड की स्टोरी बताई थी, और उसमें हमें खुद को ढूंढना था कि हमारा चीज क्या है। तो मेरा था सर हेल्थ। मैं हेल्थ में बहुत बेफिक्र हूँ और टेकन फॉर अ ग्रांटेड लेती हूँ। मेरे सारे रिपोर्ट्स ओके आते इसलिए, और वेट मेरा दिन पे दिन बढ़ रहा है। और मैं मतलब उसके लिए कोई ऐसे बहुत सीरियस एक्शन नहीं ले रही हूँ। तो आपने एक्सरसाइज भी हमको बोली थी कि कौन से मौके और अपॉर्चुनिटी है हमारे लाइफ में, और वो हम देख नहीं रहे। यहाँ दो मौके हमको देखना है, हम कहाँ आलसी है, हम कहाँ अटके हैं और नई एक्शन नहीं ले रहे, ये बराबर है। देखने बोला था। ओके गुड गुड। एक एक मिनट, थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ। हे जे है ना, हे पे उल्टा में जाएगा कि नहीं, इकड़े यायला पाहिजे ना, हे पूर्ण जे आहे की नाही फ्रेम आहे हे। तू काहीतरी यार मगाशी केलं की नाही, तू इकडे आणलं स्वतःला करायला लागला की तू होस्ट।
छत्तीसगढ़ वाली गई दिल्ली इकड़े कसा आना है एक मिनट अपना एडजस्ट कर रहे करो पा मिनिमाइज करने हे इकड़े आला भाई पूर्ण हा जो फ्रेम है हा काढून टाका हँडल्स काढून टाका पहिले हँड यांचा हँडल काढून टाका हा आता मूव करून पहा फ्रेम नाही पण काढून काय अरे हे लपून झालं नाही हा एक मिनिट आहे थोडासा गडबड होगी फ्रेम की अरे काय करतोय तू हा एक मिनिट हा यस चलिए चालू करते हम और किसको कुछ शेयर करना है एनीबडी जातो ना रिकामा हा पूर्ण भरून जातो ना इकडनं इकडे येतो किसको याद नाही आ रहा किसको कुछ मन्नू मायकल सबको रिक्वेस्ट ये है कि जो आज का टॉपिक है वो है हु मूड माय चीज वो हु मूड माय चीज ये टॉपिक के लिए ही जो लोग है उनके मतलब वही शेयर करना है बाकी शेयर नहीं करना है मन्नू मायकल बोलो आप यदि पिछले बार होंगे तो ही आप बता सकेंगे यदि पिछले सेशन में नहीं होंगे तो नहीं बता सकेंगे बोलिए मैं पिछले में नहीं था नहीं था फिर आपको कुछ मालूम नहीं है अभी आप सुनो सिर्फ यस यस वर्मा जी आपको कुछ करना है शेयर नहीं मैं बोलता हूँ अगर कोई नहीं बोल रहा कोई नहीं बोल रहा होगा तो मैं शेयर करता हूँ सर हाँ करो करो तो हमने पिछले सेशन में देखा कि उन चूहों को जो है चीज नहीं मिला तो उन्होंने दूसरा चीज स्टेशन ढूंढ लिया पर हेम एंड हाउ वही दूसरों को दोष देते रहे पर चेंज नहीं किया उन्होंने और व्हेन वन डोर इज क्लोज द अदर ओपन्स बट वी आर सो स्टक दैट वी डोंट वांट टू चेंज इजीली ये हमने पिछले सेशन में देखा था और हेम जो था वो थोड़ा सा उसी चीज पर अटका हुआ था वहीं पर अटका हुआ था और हॉ ने अपना रास्ता ढूंढ लिया था वो दूसरा चीज स्टेशन ढूंढने निकल गया था मतलब यहाँ तक अपन ने देखा था पिछली बार यस तो हम चालू करते हैं वो मूड माय चीज है ना एक आवेल आता याच्यामध्ये हे आता याच्या पाठीमध्ये चाललं है ना काय तरी तू फटफट फटफट काहीतरी केलं ते झालं ते ओके ठीक आहे इकडे कर हा तो ये सेशन जो है हम चालू करते हैं Who moved my cheese? जो लोग नया है शायद उनको पता नहीं होगा इसलिए थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा ताकि उनको भी पता चलेगा हम कर रहे क्या तो Who moved my cheese? यह किताब जो है वो डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने लिखी है ये किताब आपको कहीं भी मिल जाएंगी गूगल के ऊपर अवेलेबल है कहाँ कर दे तुम मापा कैसे कर मतलब कोई तरीके तो होश बन ले सर कोई तो भी होश बन गया है और वो गड़बड़ कर रहा है निकालो तू आहे पंकज अंबर दोन ठिकाणी लागलाय का तू आणि हे दोन ठिकाणी आहे का तू ते कोणते नाव टाकलंय पंकज अंबर त्याला होत बनलाय कोणता कुठे मोबाईल मग कोणाच्या हाती आहे अजून कोणी होस्ट आहे का और कोणी होस्ट बनले आहे का वर्माजी होस्ट कोणी आहे का नाही और कोणी नाही आहे नाही ना ऑटोमॅटिकली हे बदल रहा है ये ऑटोमॅटिकली स्क्रीन बदल रहा है ये हैक कर रहा है फिर इसका मतलब हाँ कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है ना
तो सर आप ये अकेले रहो ना फिर, अभी आप ही रहो होस्ट अकेले, बाकी सबको निकाल दो एक बार। ठीक है ना, ठीक है, देखते मैं, देखते क्या होगा मालूम पड़े। ओके, तो डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने किताब लिखी है हू मूड माय चीज, और यह किताब जो है वो करीब करीब 2 करोड़ के ऊपर कॉपीज इसकी सेल हो चुकी है। आपको गूगल के ऊपर, आपको यूट्यूब के ऊपर काफी सारे व्यूज मिलेंगे, ऑडियो बुक मिलेंगी, बुक अवेलेबल है, और बहुत ही पावरफुल बुक है, और हर व्यक्ति ने यह बुक पढ़ना चाहिए। तो उसका हम रिव्यू और ये बुक रीडिंग हम करते हैं। एक्चुअली बुक रीडिंग नहीं है, वो बुक हम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि बुक हम नहीं पढ़ रहे हैं। और इसका मतलब है हू मूड माय चीज का मतलब है कि मेरा चीज किसने हटाया, मेरा चीज कौन लेके गया है ना, इसके बारे में ये है। और ये किताब जो है यह चेंज के बारे में किताब है, चेंज हमारे लाइफ में जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में ये किताब है। तो हम आगे चलते हैं। यह कहानी ऐसी है कि दो चूहे है, स्निफ एंड स्करी। स्निफ, एक चूहे का नाम है स्निफ, एक चूहे का नाम है स्करी। दो चूहे रहते हैं और दो आदमी रहते हैं, इनका नाम है हॉ एक का और एक का नाम है हेम, हॉ एंड हेम। ठीक है, अभी ये चूहे जो है और आदमी, इनको खाने के लिए कुछ तो भी होना है। तो खाने के लिए है, वो दौड़ते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, दौड़ने का ट्रैकिंग शू जो है वो ट्रैकिंग शू वो पहनते हैं, ट्रैकिंग सूट पहनते हैं, और दौड़ते हैं दौड़ते हैं। तो एक मेज था, मेज मेज मतलब भूल भुलैया। तो भूल भुलैया में वो अंदर घुस जाते हैं, बहुत दौड़ते हैं अंदर, बहुत दौड़ते, भूल भुलैया रहता है, और बहुत सारा दौड़ने के बाद में उनको एक जगह उनका चीज स्टेशन मिल जा रहा है, बहुत बड़ा चीज, बहुत बड़ा उसका स्टॉक। और वो चीज स्टेशन देख के बहुत खुश हो जाते हो, बोले ये तो अपने को जिंदगी भर पूरेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और बहुत खाते हैं वो खाना, वो चीज खाते हैं, और चीज खा के वो फिर से मेज के बाहर आ जाते हैं, और बाहर आके अपने घर चले जाते हैं। वो हेम एंड हॉ जो आदमी रहते हैं छोटे छोटे, वो दो आदमी भी ढूंढे 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 मेज तक आते हैं, मेज के अंदर घुस जाते हैं, और अंदर घुसने के बाद में वो भी उनको चीज स्टेशन दिखता है, बहुत बड़ा चीज स्टेशन है। दोनों खुश हो जाते हैं, खाते हैं, पानी पीते, ढकार देते हैं, और वहां से बाहर आके अपने घर में जाके सो जाते हैं। फिर रोज उठना, सूट पहनना, जॉगिंग सूट, शू पहनना, दौड़ते दौड़ते आना, मेज के अंदर जाना, वो चीज खाना, वापस चले जाना। हेम एंड हॉ भी ऐसा करते थे, ड्रेस पहनना है, जूते पहनना है, दौड़ते दौड़ते आना है, अंदर जाना है मेज में, वो चीज खाना है, और वापस आना है, घर में जाके सोना है। फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि ये इतना कौन करेगा जाना आना, तो अपन क्या करते हैं कि मेज जो है वो भूल भुलैया जो है वो भूल भुलैया के बाहर ही अपन अपना मकान बनाते हैं। और वो क्या करते कि अपना मकान भूल भुलैया के बाहर बनाते हैं, स्निफ एंड स्करी ये दोनों चूहे, उसके बाहर अपना मकान बनाते हैं, और हेम एंड हॉ ये भी अपना मकान उसके बाहर बनाते हैं, भूल भुलैया के बाहर। अब तो उनको दौड़ने की जरूरत नहीं है, सुबह उठे, नहाए धोए, ब्रश किया, अंदर गए, चीज खाया, भरपेट, वापस आ गए, बाहर ही मकान है, सो जाना, जब भूख लगी अंदर जाना, चीज खाना, बाहर आके सो जाना। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो आलसी बन जाते हैं, अपना शू जो है वो भी, वो हेम एंड हॉ जो है ना, ये तो आदमी है, आदमी बहुत आलसी होता है, वो क्या करते हैं कि अपना जो सूट रहता है जॉगिंग सूट वो भी कहीं फेंक देते हैं, वो जो जूते रहते हैं वो भी कहीं फेंक देते हैं। अब जाना अंदर, अब काय को होना जूते शूज नहीं, काय को होना, जाना अंदर, खाना बस, अब वापस आके सो जाना, ऐसा करते हैं। तो रोज का इनका प्रोग्राम ऐसा रहता है, आलसी बनते जाते हैं। स्निफ एंड स्करी जो है वो एक दिन जब अंदर जाते हैं, अंदर जाते हैं, तो उनको दिखता है ये कि भाई हू मूड माय चीज, वहां जाते हैं तो चीज ही नहीं, चीज गायब, चीज गायब हो गया, वहां चीज ही नहीं है। बाप रे, मेरा चीज किसने हटाया, हमारा चीज किसने हटाया। वो तो जो लोग चिल्लाते हैं कि ऐसा कैसा हो गया, ये बराबर नहीं है, ये ठीक नहीं है, मगर वो जो स्निफ एंड स्करी रहते हैं वो वहां से उठते हैं, बोले चलो अब चीज नहीं है, अभी अपने कुछ करना पड़ेगा, मगर कुछ करते नहीं, बाहर आके
अपने घर में जाके सो जाते है। वही हेमेंट हॉ भी ऐसे अंदर आते है, देखते है चीज नहीं है, जोर से चिल्लाते है मेरा चीज किसने हटाया, ये अन्याय है, वापस लेकर जाओ, वापस लेकर आओ, वापस लेकर आओ, ये अन्याय है। कोई चिल्लाते, कोई आवाज घूम रही है, इको हो रही है, कोई आता नहीं चीज, और फिर वो बाहर जाके भूखे पेट जाके सो जाते। फिर दूसरे दिन भी वो स्निफेंस करी जो चूहे है, वो चूहे फिर उठते हैं, और चूहे उठते हैं, और चूहे उठ के फिर अंदर जाते हैं। उनको लगता है कि आज तो भी किसने लाके दिया होगा, मगर आज भी कोई चीज लाके देता नहीं है। और फिर वहां से वो जो स्निफेंस करी जो है, वो दोनों भी चूहे बोलते अभी यहाँ तो कोई आने वाला है नहीं, अभी वो अंदर भूल भुलैया में अभी दौड़ना चालू कर देते हैं, अपना शू निकालते हैं, लेस बांध लेते हैं, अपने जो जॉगिंग कपड़े है ड्रेस वो पहन लेते हैं, और अंदर दौड़ना चालू करते हैं कि कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और उनको और कहीं से भी बहुत दूर एक जगह बहुत चीज स्टेशन मिल जाता है, और वो वहां खाना चालू कर देते है। हेमेंट हॉ जो है वो चिल्लाते रहते हैं मेरा चीज किसने हटाया, इट इज नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है, ऐसा कैसा हो सकता है, हमारे ऊपर ये अन्याय है, वापस लेकर आओ। और अपने को अभी कुछ तो भी नाइट ये इसका मतलब लक का इंतजार करना पड़ेगा, रात भर इंतजार करेंगे, ये अन्याय है, कोई तो भी चीज लाके देगा। अपने लाइफ में देखो यही होता है, अपने लाइफ में एक दिन अब जाते हैं, और एक दिन जाने के बाद में देखते हैं कि अरे अपना धंधा ही गायब हो गया, अपने को फटका बैठ गया, झटका बैठ गया, चीज गायब, अभी क्या करना, सोचा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था, अब करना क्या, आज मेरा चीज किसने हटाया, अन्याय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने सामने कोई केमिस्ट दुकान खोल देता है तो अपना धंधा आधा हो जाता है, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि भाई अपना धंधा कभी आधा हो जाएगा, आपको लगा है तो जिंदगी भर चलने वाला है। अपनी नौकरी है, आपको लगता है कि नौकरी मस्त चल रही है, एक दिन आपको बोला जाता है कि आपको निकाला गया है कंपनी से, छटनी हो रही है, आपको निकाला गया, आप घर बैठ जाओ, बोले ऐसा कैसा हो सकता है, ये अन्याय है, अरे मगर तुमको निकाल दिया, अब क्या करते करो। एक दिन अचानक कोरोना आ जाता है, बोले सब लॉकडाउन, घर के बाहर निकलना नहीं है, ये अन्याय है, ये ऐसा कैसा, अरे हो गया, अब क्या करते है? तो आपका चीज बहुत बार ऐसा कोई घुमा लेता है, कोई लेकर जाता है, और आप फिर उस दिन चिल्लाते हैं अभी फिर भी नाइट लॉकडाउन के संकेत आ रहे हैं, नाइट लॉकडाउन होने वाला है, और फिर आप बोलेंगे अरे एक ऐसा है अन्याय हो गया है, फिर हमारा धंधा चौपट हो गया, अभी हमने कैसा करना, क्या करना। तो यहाँ तक हम आए थे, इसके बारे में किसको कुछ पूछना है, बताना है तो आप पूछ सकते हैं, ये टॉपिक को रिलेटेड पूछ सकते। शिवशंकर मीना बोलिए। हेलो सर। हाँ सुन रहे हो आप? बोलिए सर। मेरी प्रॉब्लम में बचपन में गलतियां कर दी थी वस्तु में, तो उनके जो मेरा लिंग छोटा हो गया, अगर वो मैसेज दिए तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है सर। मैंने आयुर्वेदिक दवाई भी ले ली है उससे। हेलो 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 शिवशंकर, आप है ना, आप शिवशंकर, आप कॉन्शियसनेस में नहीं, होश में नहीं है आप, मैं क्या बोल रहा हूँ आप सुन नहीं रहे हो। मैंने अभी तक क्या दस पंद्रह फिर मैं जो बोल रहा हूँ वो बोलो ना आप, अपने मन का कुछ भी बोलेंगे तो कैसा होगा, है ना। ये सेक्स काउंसिलिंग का सेमिनार नहीं है, यह वेबिनार नहीं है सेक्स के बारे में, यह वेबिनार है, एक प्रोग्राम चलता है मेरा चीज किसने हटाया उसके बारे में। अभी हम क्या करेंगे वर्मा जी, प्रवीण जी, हम क्या करेंगे कि अभी जो ये प्रोग्राम में रजिस्टर किया है ना उनको ही बुलाएंगे, बाकी कहीं अपन ये भेजेंगे नहीं। यस सर, बाकी लोगों को ये मिलेगा, मालूम हो जाएगा ये नहीं। हर बार नए लोग आएंगे और नए लोगों को ये बोलना पड़ता है उनको, अरे बोलो मत, अरे बोलो मत, वो फिर वही निकाल दे। सही बात। यस सर, फॉर्म भेजेंगे अपन, लोगों को फॉर्म भेजते जाएंगे, और यदि आना है तो फॉर्म भर के आ जाओ। यस अजीत तड़वी बोलो, अजीत तड़वी बोलो, अनम्यूट करो, बोलो। हाँ सर, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मेरा एक कंफर्ट जोन है, तो अभी फिलहाल सुकून की लाइफ है,
लेकिन जैसा हमने अपने बात की लास्ट सेशन में ये में कि कोरोना के वजह से सब डिस्टर्ब हो गया, तो मैं भी ये चाह रहा हूँ कि पैरेलल कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए, और जो चीजें ढूंढना है और कुछ साइड में हिसाब से हम लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा बराबर, क्योंकि अभी फिलहाल तो हम कंफर्ट जोन में है, सब सही सही चल रहा है, मगर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आपका चीज कौन घुमा के ले जाएगा, भगा के ले जाएगा, आपको मालूम नहीं। हाँ है ना। हाँ अभी एक हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट सर्विस में है, आप गवर्नमेंट सर्विस में हो ना, हमारे यहाँ गवर्नमेंट सर्विस में हमारे परिचित है, और उनको अचानक पैरालिसिस हो गया, लकवा मार दिया। अभी उनकी उम्र है सिर्फ 50 साल की, और उनको लकवा मार दिया, और अभी वो घर आ गए, उनका चीज किसने हटाया, ऊपर वाले ने लकवा मार दिया, अभी ना सर्विस कर सकते ना बात कर सकते है, बोल सकते है, कुछ नहीं, खलास काम, एक रात में खलास, है ना, मालूम ही नहीं है कौन कब क्या होगा। तो यस नवीन बोलिए। नवीन हाँ सर। हाँ जी बोलिए। सर मैं ये बोलना चाह रहा था, हमारे में क्या है सर, बहुत सारे चीज ऐसा रहता है कि मेरा जो LIC में जो क्लाइंट देने वाला रहता है जो पॉलिसी, तो उसके बारे में हम सोच के बैठते हैं कि वो देगा तो हमारा अचीवमेंट हो जाएगा, तो ये अचीवमेंट मैं सोच के ऐसा ही कुछ होते रहूंगा, दूसरा काम नहीं करता हूँ, तो एक दिन वो फोन उठाना बंद कर देता है कस्टमर। तो ये पिछले हफ्ते में हो गया सर अचानक, मेरा एक अचीवमेंट रुकने वाला था, तो मैं क्या किया, जैसा आपका सेशन अटेंड करते हमें पता है ना सर, तो मैं दूसरा चीज ढूंढने लग गया, तो उससे मेरा सक्सेस फिर स्टार्ट हो गया सर। तो एक जगह हम बैठना नहीं है, तो ये और जो भी जो प्रॉब्लम्स आते हैं सर, उसके लिए एक प्लान बी बना के रखना हमारा वो रहता है सर, जरूरी रहता है, प्लान बी होना ही चाहिए। हाँ हाँ सर बराबर है। और क्या है कि अभी इंश्योरेंस कंपनी में इतनी मारामारी है इंश्योरेंस में कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस वाला, यदि आप जाके वहां बैठते, आप कौन से कंपनी का करते काम, LIC सर, लाइफ इंश्योरेंस LIC का, तो LIC के आप हो, आप वहां जाते हो, आप ड्राइंग रूम में बैठे हो, LIC का आदमी बैठा है एजेंट, और वो प्लान समझा रहा है, और आपको मालूम नहीं अंदर के कमरे में HDFC वाला बैठा हुआ है। ऐसा बहुत बार हुआ है सर, ऐसा बहुत बार हुआ है, पिछले 10 दिन में 2-3 प्लान SBI वाले लेके चले गए सर, मेरा जो फॉलो अप में था, बाहर LIC वाला अंदर SBI वाला, आपको मालूम ही नहीं वो प्लान लेके जाता, हो जाता है, लेके जाता, हो जाता, आप बैठे रहते, यस सर, यस सर, आपका चीज कौन भगाएगा आपको मालूम नहीं, जरूरी है सर, प्लान भी बना के रखना और सतर्क रहना हमेशा, दूसरा वे ढूंढना, ये हमेशा उसके ऊपर काम करना जरूरी है सर, हमारे जरूरी है। Yes, तो ये चिल्लाता है कि मेरा चीज किसने हटाया, ये अन्याय है, वापस लेकर आओ, वापस लेकर आओ, चिल्लाते रहते दोनों भी, और दोनों भी वहां से हटते नहीं है, हे मैन हा, वो वहीं रहते हैं, और ये चूहे बहुत होशियार है, वो चले जाते, बोले अपने को और देखना पड़ेगा, कहां यहां रोते बैठना है, ये बोलता है कि दूसरे किसी ने कांड किया है हम क्यों बदले, है ना, दूसरे किसी ने कांड किया है हम क्यों बदले, मतलब क्या होता है कि वो जो हा है ना, वो बोलता है हमको कि अपने को बदलना पड़ेगा, देख वो चूहे है वो दोनों चले गए, है ना, वो अभी और कहीं तो भी निकल गए, डेफिनेटली उनको वहां मिला होगा कुछ ना कुछ, इसलिए वापस नहीं आए वो, उनको कुछ ना कुछ मिला होगा, और अपने को भी ढूंढना पड़ेगा, अपन जाएंगे देखेंगे और कहीं, तो ये वो दूसरा बोलता है उसको, हाँ मगर हमने क्यों जाना, मैंने क्या किया, मैंने क्या कसूर किया, और किसी ने कांड किया है, किसी ने हमारा चीज छीन लिया है, हमने क्यों बदलना, ऐसा वो चिल्लाता है। वो रोज जाते रोज वापस आते, रोज जाते रोज वापस आते, डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स इज इनसैनिटी। बार 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 वही काम करेंगे और सोचेंगे कि मुझे अलग परिणाम मिलेंगे, वो पागलपन है। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा तो आपको अलग रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि व्हेन वन डोर क्लोजेस द अदर ओपन्स, एक दरवाजा जब बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, बट वी आर सो स्टक टू क्लोज डोर दैट वी डोंट सी द ओपन डोर।
हम इतना चिपक जाते हैं, दरवाजा बंद है उसके ऊपर, हमारा सिर फोड़ फोड़ के, हम सिर फोड़ते रहते हैं, कि दरवाजा खुल जाएगा, मगर दरवाजा खुलता नहीं है, हमारा सिर फूटता है, खून आता है, मगर बाजू में दरवाजा खुला है वो हम देखते नहीं है। देखो हमारे प्रैक्टिस में क्या हो गया, हमारी साइकेट्री की प्रैक्टिस है, मनोविकार तज्ञों में हमारे यहाँ रोज के 100 पेशेंट आते थे, ये कोरोना के पहले 50-100 कभी 70-80 ऐसे पेशेंट रोज के। ऐसा कोरोना हुआ, लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन में क्या है, लॉकडाउन में सब अपने अपने जगह बंद, एकदम ही ज्यादा सीरियस हो गया तो वो आता था अकोला में, ये तो बाहर की सब ट्रैफिक बंद, अब पेशेंट इन्हें तो करेंगे क्या, तो बोले नहीं नहीं अन्याय है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी हमने करना क्या है, सब दवाखाने बंद, कैसा क्या करना चाहिए, ऐसा अब ऐसा खाली बैठे हम, हमारे लिए दरवाजा बंद हो गया है, पेशेंट आना बंद। फिर हमने बोला कि दूसरा दरवाजा क्या खुल सकता है, वो देखा दूसरा दरवाजा खुला था, कौन सा दरवाजा खुला था, ऑनलाइन कंसल्टेशन, तुरंत हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन के ऊपर स्विच कर ली तुरंत। और अभी कम से कम रोज की मैं 10-15-20-25 की ओपीडी ऑनलाइन रोज की करता हूँ मैं, ऑनलाइन मतलब जैसा दवाखाना एक्चुअली चलता है वैसा दवाखाना सवेरे का भी मेरा होता है ऑनलाइन का, और वो ऑनलाइन करते रहता हूँ। और इसका फायदा ये हो गया कि जम्मू कश्मीर का पेशेंट मेरे पास में कभी आने को मतलब पॉसिबिलिटी नहीं थी कि जम्मू कश्मीर का पेशेंट मेरे पास में आएगा, झारखंड का पेशेंट आने की संभावना कभी नहीं थी, ना कभी कर्नाटक का, मगर अभी आज मैं पूरे इंडिया के नहीं पूरे दुनिया के पेशेंट में देखता हूँ, अकोला में बैठे बैठे देखता हूँ और उनका इलाज करता हूँ। तो एक दरवाजा बंद हो गया पेशेंट को आने का, तो दूसरा दरवाजा खुल गया ऑनलाइन का। मगर बहुत सारे लोग दरवाजा बंद हो गया, करके सिर उसमें टकराते रहे, खून आ रहा है सिर के ऊपर से, मगर हटे नहीं, नहीं हमको तो वही होना है, ये करना नहीं चाहिए। अरे भाई हो गया, हो अब क्या करेंगे, तो हमको नई नई संभावना दिखती रहती है, हमने नई संभावना के लिए आंखें कान सब कुछ खुला रखना पड़ता है, तो नई संभावना हम ग्रैब कर सकते। गुड, तो हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा दरवाजा खुल जाता है तो आपको दूसरे दरवाजे देखना है कि हमने क्या करना चाहिए। हम अभी आगे जाएंगे। आप कोई चीज से जितना डरते हो, अभी यह चीज मतलब वस्तु, यहां वस्तु है, आप कोई चीज से जितना डरते हो हकीकत में वह चीज उतनी डरावनी नहीं होती। मतलब जो बातों से आप डरते हैं, इसका डर, उसका डर, फेल होने का डर, कोई कुछ बोलेगा उसका डर, है ना, नई जगह जाने का डर, बिजनेस बदलने का डर, नया धंधा चालू करने का डर, तो जितना आप डरते हो कोई भी चीज चालू करने के लिए, एक्चुअली उतनी चीज वो डरावनी होती नहीं है, वो उतनी चीज डरावनी होती नहीं है। ये उसने हां ने बोला हमको कि भाई अरे भाई उतना नहीं रहता है, आपको डर लगता है फियर। अभी आप ये बताइए कि आपको फियर काय काय का लगता है, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, कौन सा फियर आपको लगता है, जरा बताइए कौन सा डर आपको लगता है। कैसा, अभी ये वो चूहे थे, चूहे फटाफट बदल गए, नए जगह पे चले गए, हे मैन हाँ वहीं बैठे रहे, नहीं बोले कौन जाएगा, नई जगह पे कैसा जाएंगे, नई जगह पे जाके नई जगह नहीं मिला कुछ तो अपनी जगह छोड़ देंगे, यहाँ क्या होगा, वो नई जगह जाने को तैयार नहीं, उनका डर इतना था कि वो अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं थे, उनको था फियर ऑफ फेल्यूअर, आपको कहाँ कहाँ फेल्यूअर है बताइए, जरा शेयर करो। मैं सबके हाथ पहले एक बार नीचे करता हूँ ताकि मुझे समझेगा कि आपके हाथ किसके ऊपर है, तो एक बार नीचे कर लो सबके हाथ। यस, आपको फियर ऑफ फेल्यूअर कहाँ है, कहाँ कहाँ फियर ऑफ फेल्यूअर है, फियर ऑफ फेल्यूअर डर, काय का डर है, फियर ऑफ फेल्यूअर, कौन से फेल होने का डर है आपको। यस बोलिए सुनीता जी। पर मेरा जो हेल्थ का प्रॉब्लम है कि मेरा वेट बढ़ता तो मैं प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज वॉक नहीं कर सकती क्योंकि मेरे ऑफिस आवर्स इतना ज्यादा है और मुझे वो डर लगता है कि मैं समय पे वहां
पहुंचूंगी नहीं और मेरे घर के काम नहीं बनते पूरे, बस टाइम मैनेजमेंट का ही मुझे डर लगा रहे, डर लगता है ऑर्गेनाइजेशन बराबर नहीं। फिर मैं आपको डर लगता है कि मैं एक्सरसाइज करूंगी सवेरे सवेरे तो मेरा घर का काम नहीं होगा, मैं ऑफिस में नहीं जाऊंगी और लेट हो जाऊंगी, वो डर लगता है करके फिर सवेरे एक्सरसाइज करती नहीं। आपको नहीं जाऊंगी पूरा, पहले ये काम जरूरी है वही करते रहूंगी और ऑफिस भी जरूरी है। बराबर, मगर आपको जानकारी से बोलता हूँ मैं कि मैं बताया ना आपको मैं रोज 7-8 किलोमीटर रोज चलता हूँ। हाँ, अभी मैंने आज सवेरे से 5 किलोमीटर चला, अभी मेरा 3 बाकी है, तब ये प्रोग्राम होने के बाद में मैं 3 चलने वाला हूँ। तो ये तो आपका बहाना हो गया ना कि मेरे को टाइम नहीं मिलता है। नहीं क्या, ये तो आपका बहाना है कि आपको टाइम, मेरे को तो अभी 3 किलोमीटर चलना बाकी है, मैं तो अभी 3 किलोमीटर चलने वाला हूँ ये प्रोग्राम होने के बाद। क्या समझ में आ रहा है? उसको कोई तो भी बहाना देके मैं उसमें से एस्केप होती हूँ और मतलब एफर्ट नहीं करती ना मैं। हाँ, तो मुझे भी मिलता तो फिर आप तो फिर आप अभी ये देखो ना कि आप कहाँ कहाँ, अभी नेक्स्ट सवाल ये आता है कि आप कहाँ कहाँ बहाने बनाते हो, है ना, बहाने बनाते रहते हम। अरे मैं तुमको बोलना भूल गया क्योंकि ऐसा हो गया, अरे मैं ऐसा हो गया क्योंकि, अरे मैं तुमको फोन करना भूल गया क्योंकि ऐसा हो गया, बहाने है ना, बहाने बना दे और आपको लगता है कि बहाना दिया और सच्ची लगेगा। बाप रे, सुनीता जी ऑफिस में जाती है, घर का भी देखती है, सच्ची उनको टाइम नहीं मिलता है ना एक्सरसाइज करने के लिए, तो लोग तो बिल्कुल उसमें एनरोल हो जाते हैं। क्या बराबर है, बराबर, कितना काम करती है कितना टाइम नहीं मिलता, बराबर है ना। अभी बहाना देखो कहाँ कहाँ बनाते और एक ही जगह नहीं, बहुत जगह होगा बहाना और, है ना, वो आपको देखना है। ठीक है, गुड, यस, नवीन जी भाटिया बोलो, कहाँ फियर ऑफ फेलियर है? सर मुझे कहीं भी फियर ऑफ फेलियर नहीं है, बस पर्टिकुलर वन पर्सन के सामने फेस होने का फेलियर है क्योंकि फेलियर है। वो उसको फेस नहीं कर सकता, वहां पे मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट आती है। हाँ, डर तो लग डर कि वहां मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट खराब हो जाए, बराबर डर है वो डर। यस, कांता जी बोलिए, आपको सुनने के लिए हम उत्सुक रहते हैं। सर मुझे ये डर है कि अगर मैंने काम शुरू किया तो मैं दोपहर में सो नहीं पाऊंगी। हाँ देखो कितना लाइफ चल रहा है मस्त, है ना, कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन चल रहा है और सो नहीं पाएंगी, मतलब बहाने बहाने नहीं कुछ नहीं होगा। अच्छा, ऐसा ही नहीं कि सोने का डर, सोने पाऊंगी ये डर है, ऐसा है कि मैं टाइम पास नहीं कर पाऊंगी, फिर मैं टीवी नहीं देख पाऊंगी, मैं मेरा इधर उधर का काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे जो करना वो ही काम करना पड़ेगा, वहां ध्यान देना पड़ेगा, तो ये डर है। मतलब करना ही नहीं है आपको, मतलब हाँ, कोई काम करना ही नहीं है, बेटर ये है कि कोई काम ही करना, काम ही नहीं करना, चीज जैसा रेडीमेड चीज मिलता है खाते जाओ और बस खत्म हो गया, मतलब, फिर चिल्लाना शुरू करो। हाँ, मतलब क्या है कि जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने दो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। यस, नया कुछ करना है तो अपने को तकलीफ होती है, तकलीफ होती है और तकलीफ करने को कोई लोग तैयार नहीं रहते, तकलीफ नहीं होना बोलते, तकलीफ नहीं होना, जो चल रहा हो चलने दो। और अगर मिलता है तो ऊपर की मलाई मिलना चाहिए। हाँ, फ्री में मिलना चाहिए। हाँ, फ्री में मिलना चाहिए। अच्छा है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। यस, सही है। इसको बहुत करेज लगता है, करेज। हाँ, आप बहुत साहसी लेडी हो कि आप इतने सब लोगों के सामने बोल रही है कि देखो मेरा ऐसा है, पूरा बैंड बच चुका है। बराबर है, जो है सो है। यस सर, सबसे बड़ी बीमारी जो है बहानाइटिस, ये सबसे बड़ी बीमारी है, बहानाइटिस। यस, बहाने बनाना, बहाने बनाना। यस, संगीता जी बोलिए, संगीता जी ये करो, वीडियो आपका ऑन करो। संगीता सर, थोड़ा बाहर हूँ मैं, बाहर हूँ। ओके, हाँ जी, मैं ऑन करूंगी। एक्चुअली मैंने ये देखा कि मतलब जैसा अभी कोविड के इसमें या थोड़ा इसमें जो हमारे कंपनी में प्रोजेक्ट्स कम आ रहे हैं, तो वो एक डर लगा है कि बीच में बहुत से वर्कर्स को मतलब
निकाला भी तो वो एक डर लगा रहता है, अगर अपने पास प्रोजेक्ट कम आए तो अपने को भी हो सकता है, तो फिर उस फियर ऑफ फेलियर से क्या करते हैं कि सबके साथ बना के लेते हैं अब मतलब जो पहले एक्टिव थे तो नहीं भाई चल रहा है चलो चलने दो, अच्छा है चलने दो, बाहर पता नहीं जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, या मिला भी तो उस जो जॉब मिलेगा उसको हम जस्टिफाई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो ये ऐसे बहुत सारे ऐसे मतलब दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, नहीं आया तो या मिला भी तो अपना ये घर छोड़ना पड़ेगा, तो ये कंफर्ट जोन से जाना नहीं है, तो जो भी है सो सही है और बस उसी में फिर चलता है और इधर ब्लेम भी देते हैं। तो ये ऐसा क्या ये जो है ना ये खतरनाक जगह आपको छोड़नी पड़ेगी, यदि आपको सक्सेसफुल होना है तो ये खतरनाक जगह आपको छोड़नी पड़ेगी। कौन सी खतरनाक जगह है? कंफर्ट जोन। ये खतरनाक जगह आपको छोड़नी पड़ेगी और ये फियर ऑफ फेलियर को इसको विसर्जन करना पड़ेगा, इसका विसर्जन। गणपति का विसर्जन करते हैं ना, गणपति का विसर्जन करते हैं नदी में, वैसा उसका विसर्जन करना पड़ता है फियर ऑफ फेलियर का, क्योंकि जब तक आप उसको फेस नहीं करोगे तब तक ये रहेगा ही रहेगा। ओके सर, ऐसा लगता है कि अभी इतने साल यहाँ निकाल लिए तो अब वो सीनियर पोजीशन पे जाना है तो उतना खुद को प्रूव भी करना पड़ेगा, तो कॉन्फिडेंस नहीं कि क्या मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मतलब वो ड्यूअल माइंड में रहती हूँ। उसका भी फियर ऑफ फेलियर है। हाँ, वो भी फियर ऑफ फेलियर है ना कि कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। हाँ, नहीं कर पाऊंगी तो क्या होगा? वहां से फिर से स्किट। हाँ, वहां से फिर से स्किट होना पड़ेगा ना, नहीं आपने जस्टिस नहीं दिया प्राइवेट में, वो निकाल देंगे, निकल जाना पड़ेगा। फिर वो मतलब जॉब खोने का डर। हाँ, जॉब खो दिया तो क्या होगा? फिर तो पूरा मतलब सभी कोलैप्स हो जाएगा ना, फिर तो क्या होगा? कोलैप्स, डिपेंडेंसी बढ़ जाएंगी, अपने पास अपना मतलब अपने बना के भी नहीं रखा है आज तक कि चलो अपना बाद में फ्यूचर कैसा सिक्योर करेंगे, खर्चा पानी का क्या, कुछ भी नहीं करके रखा है। मगर आपको ऐसा है, खुद ही को कर दे बुलंद इतना, खुद ही को कर दे बुलंद इतना, यार तकदीर लिखने से पहले, तकदीर लिखने से पहले खुदा हर बंदे को पूछे बता तेरी रजा क्या है, हमको क्या चाहिए। तो आपको ऐसा कैसा रहेगा कि आपको दो लोग पहले ही बुला रहे हैं कि संगीता जी आती क्या हमारे यहाँ, संगीता जी आती क्या हमारे यहाँ, हमारे कंपनी में आओ, हमारे कंपनी में आओ, ये कैसा नहीं हो रहा है? ओके सर, ये चांस काफी पहले था, ये चांस जो मैंने छोड़ दिया। अभी भी नहीं, अभी भी ऐसा कैसा नहीं है। ओके देखो, मैंने बोला ना, मैंने आज, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैंने आज बोला कि मेरे को नौकरी करना है, मैं तो प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे को नौकरी करना है और मैं नौकरी करने को तैयार हूँ हॉस्पिटल में, तो मेरे को 10 हॉस्पिटल के कॉल आ जाएंगे। ओके, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ करे, ज्वाइन कर लो कल से। मेरे को गवर्नमेंट सर्विस में एक साल पहले बोले तुम ऑनररी आ जाओ वहाँ, मतलब मैं आऊंगा नहीं, मेरे को एक घंटे के ऊपर टाइम दे नहीं सकूंगा, बोले गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के लोग आए पूरे, तुम अप्लाई करो और तुम ये सुसाइड का एक उनका प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें आप आ जाओ और आप जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम दो, मगर मेडिकल कॉलेज में आप आ जाओ। मतलब एक बार मैं आऊंगा तो जमेगा नहीं, वो अच्छा दिखेगा नहीं, गवर्नमेंट सर्विस में मैं तनख्वाह लूंगा सैलरी लूंगा और हफ्ते में एक दो बार जाऊंगा तो अच्छा दिखता नहीं, मैं आता ही नहीं, क्योंकि मेरे को आना है तो पूरा काम करना पड़ेगा। तो मेरे को तो बुला रहे लोग, आ जाओ ज्वाइन कर लो। तो मेरे को खुद को पहले अपनी वैल्यू बढ़ाना पड़ेगी ना आपको। यस, अपनी वैल्यू बढ़ाना पड़ेगी कि भाई आप इतने वैल्यूएबल इंसान है कि आपको कोई भी बुला रहा है, आ जाओ हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो, तो वो देखना पड़ेगा अपने को, है ना। मेरे यहाँ जो आदमी है काम कर रहे हैं उनको यदि बाहर का कोई आदमी बुला नहीं रहा है, मेरे यहाँ जो आदमी है उनको यदि कोई आदमी बाहर का बुला नहीं रहा है, इसका मतलब वो बहुत ही निपत्तर आदमी है ना मेरे पास में, उनको बुला ही नहीं रहा इसलिए मेरे पास में। आप समझ रहे हैं, उल्टा बोल रहा हूँ। ऐसे भी हो सकता है ना सर कि वो जाना नहीं चाहता, उसने अप्लाई नहीं किया होगा, उसकी कम्फर्ट जोन यही है। मगर हाँ, मगर वही तो ना कि उसको 10 लोग फोन दे बुला कि हमारे यहाँ आ जा और तभी भी नहीं जा रहा हो, नहीं क्या? हमारे यहाँ जो डॉक्टर है ना उनको हरदम बुलाते रहते लोग, आ जाओ हमारे यहाँ, जाते नहीं हो।
ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और किसी को चांस देंगे, मौका देंगे। यस सर, थैंक यू। कौन है एकदम अर्जेंट में, कौन है तो कैसा समझ में आएगा कि अर्जेंट में किसको बोलना है? अरुण अग्रवाल बोलो, आपका वीडियो, जिनका वीडियो चले उनको बोलेंगे ना। तो अरुण अग्रवाल बोलो, बोलिए। जैसे आपको बोला मेरा मेडिकल शॉप है, कॉम्पिटिशन की वजह से बिजनेस में प्रॉब्लम आ गया है, तो अभी नया बिजनेस करना पड़ेगा, उधर कुछ लॉस ना हो जाए ये डर लगा रहता है, लेकिन करना तो पड़ेगा, अभी पड़ेगा ही, करना पड़ेगा, करना ही है। हाँ, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं। तो ये सेंटेंस ध्यान में रखो कि आप कोई चीज, चीज मतलब चीज नहीं, अभी कोई वस्तु है ना, बिजनेस, जितना डरते हो, हाँ कोई भी चीज से आप डरते हो, हकीकत में वो उतनी चीज डरावनी नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पानी में उतरने के पहले बहुत डर लगता है, पानी में उतरने के पहले, एक बार उतर के बाद में आदमी तैरना चालू कर दे। अभी अभी बहुत ठंडा है ना, बहुत अभी ठंड चल रही है ना, विंटर सीजन है, अपने को जरा ठंडा पानी रहा तो अपने को बहुत नहीं, ठंडा पानी नहीं होना, गर्म पानी होना स्नान करने के लिए, मगर आप एक बार ठंडे पानी से चालू कर दो स्नान करना। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि सवेरे सवेरे इलेक्ट्रिक नहीं है लाइन, ऐसा हो जाता है, और क्या होता है फिर मैं बोलता हूँ ठीक है यार स्नान डाल देना क्या, उसके चलो चालू कर देते, चालू कर देते स्नान करना, और धीरे 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 इतना डरावना नहीं होता है, वो पूरा स्नान कर लेते ठंड में ठंडे पानी से। चालू करना पड़ता है, स्टेप लेना पड़ता है, वो चालू करने के पहले ही वो चीज डरावनी होती है, उसके बाद में नहीं होती। यस, ठीक है ना। यस, तो होता क्या है कि एक मिनट, इसमें होता क्या है कि वो जो है वो जितना आप डरते हैं उसका उसके साथ में उतना वो मतलब डरावनी होती नहीं है वो चीज, वो आपको समझना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं इतना नहीं करना पड़ता, इतना कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है, अपन चालू कर दो काम, चालू कर दो, कुछ नहीं होगा, है ना। जब आप अपने डर को जीत लेते हैं तो आप आजाद महसूस करते हो, जब आप अपने डर को जीत लेते हैं तो डर के ऊपर जीत करना बहुत जरूरी है। एक बार काम चालू करना पड़ता है, काम क्योंकि वो चालू करने के पहले बहुत डर रहता है, एक बार आप चालू कर दो थोड़ा गिर जाएंगे, थोड़ा ब्रेकडाउन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो चालू कर दो हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो बहुत महत्व का है। 8:58 बजे हमको 9 बजे हम खत्म कर दे, एकाधे को और बोलने का मौका देंगे और हम खत्म करेंगे कि आपको फियर ऑफ फेलियर भी ये देखना है हफ्ते में कि आपको कहाँ कहाँ फियर ऑफ फेलियर है, और फियर ऑफ फेलियर से आप वो काम चालू नहीं कर रहे हैं, डर है, फियर ऑफ फेलियर है, और इसलिए आप वो काम चालू करते नहीं है। इनके वीडियो चालू है उनको भी बोलने का मौका देंगे, इनके वीडियो बंद है उनको बोलने का मौका देंगे नहीं। तो आपको यदि बोलना है तो आप वीडियो चालू करो। योगेश, यस आपका वीडियो चालू है, मैं आपको बोलने का मौका देता हूँ। योगेश बोलिए, आपका हाथ ऊपर है, योगेश अनम्यूट करो, बोलो। अब्दुल वहीद बोलो, अब्दुल वहीद। यस सर नमस्कार सर। नमस्कार बोलिए। सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ और मैं एक एनजीओ सेक्टर से जुड़ा हूँ मैं। हाँ। और लगभग 15-16 साल से मैं एनजीओ सेक्टर में काम कर रहा हूँ। हाँ। तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और कई सारे इसमें ये जो सुझाव थे वो हमारे मार्गदर्शन बनेंगे आगे चल के। तो सर ये जो है जो डर के आगे जीत आप बार बार जिक्र कर रहे हैं और मेरा सामान कौन ले गया, तो इसमें ये जोड़ूंगा कि जब तक आदमी रिस्क नहीं लेगा किसी भी लाइन में किसी भी चीज में तो शायद वो कामयाब नहीं होगा। और हमारे साथ भी बहुत कई बार ऐसा हुआ है कि इवन के मुझे कई सिक्योरिटी जमा करने के लिए मुझे अपना घर गिरवी रखना पड़ा और आज आपके आशीर्वाद से सब कुछ दुरुस्त हो गया हमारे पास, हमारा खुद एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। तो हमें हर चीज में रिस्क लेना चाहिए और आप डटे रहेंगे तो वो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। तो हमें किसी भी चीज से पीछे नहीं हटना चाहिए और हमेशा हमेशा दो लाइन और कुछ नए की तलाश हमेशा होना चाहिए हमें। अभी मैं कुछ दिनों से मैं आयुर्वेदा कंपनी में जुड़ा हूं, मैं कि एक तरफ मेरा एनजीओ का काम चल रहा है, दूसरी तरफ में एक आयुर्वेदा कंपनी है करनाल हरियाणा में, मैं उससे जुड़ा हूं कि पार्ट टाइम उधर से भी कुछ होता रहे, क्योंकि कोविड लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया है लोगों को कि कौन सा हमें लाइन चुनना चाहिए कि जिससे हमें जिंदगी हमारी। यस, तो आपको क्या करना है अब्दुल जी, आपको क्या करना है कि अभी आपको देखना है
अभी भी कि आपको अभी फियर ऑफ फेलियर कहाँ है, कहाँ कहाँ आप कोई काम टालते हैं, नहीं करेंगे, कुछ भी होगा, रिजेक्शन का होगा, सिंपल सिंपल है कि मुझे किसको कुछ फोन करना है, सिंपल बात, मुझे कुछ फोन करना है, बालाजी मोहाल इनको मेरे को फोन करना है, सुनीता जी को मेरे को फोन करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सुनीता जी क्या बोलेंगी, अभी ये क्या टाइम है क्या, अभी 9 बजे, मैं लेडी को कैसा फोन करूँ रात को, अच्छा नहीं दिखेगा, है ना, वो क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, और मैं फोन ही नहीं करता, कुछ तो भी कारण सादा सादा एग्जाम्पल है, या प्रवीण जी को मेरे को फोन करना है, नहीं नहीं वो अच्छा नहीं बोलेंगे, उनको क्या को डिस्टर्ब करना, अभी मैंने क्यों फोन करना है, फोन ही नहीं करता, छोटी बात रहती है, फियर ऑफ फेलियर यहाँ से इतना छोटा छोटा है ना, तो वहां से प्रॉब्लम आते रहते हैं फियर ऑफ फेलियर, ठीक है ना, गुड, थैंक यू, आपने शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, श्रीकांत गायकवाड़ बोलिए, श्रीकांत, श्रीकांत जी अनम्यूट करो, बोलो, अनम्यूट करो, हाँ जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज, आवाज नहीं आ रही है, हेलो, हाँ बोलिए, बोलो, आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, नितिन बरडे बोलो, नितिन बरडे अनम्यूट करो, नमस्कार सर, नमस्कार, बोलिए सर, कुछ नहीं, जो आपका जो प्रोग्राम है उसी के बारे में बात करनी थी, अभी मैं पेशे से फार्मासिस्ट हूँ और अभी गांव में 2 मेडिकल है, तो तीसरा मेडिकल डालने का मेरा प्लान है, तो डालू या ना डालू इसकी जो बोले तो मन में संभ्रम है, चालू करूँ या ना करूँ, लेकिन जब से आपके वेबिनार देखे तब से लग रहा है कि बस तुम जैसे बोल रहे थे कि बोले तो डरने डर के आगे जीते वैसा है, सही है ना सर, बराबर है, बराबर है, तो जो भी करना है वो करो, हाँ, और कभी भी आप नया काम चालू करते हैं तो शुरू हाँ में थोड़े ब्रेकडाउन आते हैं, शुरू में नुकसान होता है, शुरू हाँ शुरू में प्रॉब्लम आते हैं, जैसा अपन साइकिल चलाना भी चालू करते हैं या साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहले गिरते हैं, जख्म होती है, घुटने फूटते हैं, है ना, फिर 2-4 बार फिर चढ़ते हैं, फिर उतरते हैं, फिर लगता है, एवं कार सीखते हैं तो 1-2 बार ठोक देते कार को, तो शुरू में वो नुकसान होना हो सकता है, मतलब नुकसान भी पॉसिबल है, नुकसान हो सकता है, वहां अपन ने डरना नहीं चाहिए, देखो इतना नुकसान हो गया, कोई भी पहला नहीं चलता है पहले पहले, यदि आपका वो बिजनेस 3 साल चलाने की इच्छा है और 3 साल चलाने का आपका प्लान है और 3 साल आपको फायदा नहीं हुआ तभी भी आप चलाने की तैयारी कर रहे हो तो वो चालू करो, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, यस, 3 साल तक करेंगे सर, हाँ 3 साल तक करो, फिर बाद में जब 3 साल चला सकेंगे ना आप तो बाद में चल जाएगा, आपके पूरे वेबिनार देख के पॉजिटिविटी आ गई है सर, गुड, हाँ सर, बहुत बढ़िया, हाँ सर, आज आपका लुक भी चेंज हो गया है बर्थडे जी, हाँ सर, हाँ शेविंग की है सर, हाँ स्मार्ट दिख रहे आज, स्मार्ट दिख रहे, आईबीएस के पेशेंट है ना सर आपके में, हाँ स्मार्ट दिख रहे, हाँ यस, थैंक यू सर, श्रीकांत जी देखो आपका लास्ट, श्रीकांत आपका अनम्यूट करो वीडियो, कैसा है हाँ श्रीकांत जी अनम्यूट करो सर, मेरे को ही हो गया ये, हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रहा है क्या सर, यस, मेरे को डर लग रहा है बीमारी का, हाँ तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, बस वही है ना कि फियर ऑफ फेलियर है आपको, आपको डर बीमारी का है, आपको डर मरने का है ना, और ये हाँ, डर जो है वो सिर्फ दिमाग में है, हाँ डर कहाँ रहता है, डर दिमाग में रहता है, एक्चुअली डर रहता ही नहीं है, और डर क्या इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही बता रहा हूँ ना कि पास्ट से डर आया हुआ है, पास्ट में ऐसा कुछ तो भी हो गया जो हाँ, आपने सामने लाके रखा हुआ है, हाँ तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए, वही चालू है अभी, अभी क्या चालू है कि बस आपको एक्शन लेनी पड़ेगी और वो जो फ्यूचर में आपने लाके रखा हुआ है कोई भी घटना हाँ, तो आपको फिर से पास्ट में डालो कि भाई वो पास्ट में हुई है, उसका आज कोई संबंध नहीं है, उसका आज कुछ भी संबंध नहीं है, आप डर रहे हैं कोई पास्ट की घटना हुई है उससे,
अभी सामने क्या है, कुछ भी नहीं है अभी इस समय। क्या आपको हो रहा है बताओ, क्या अभी अभी लगा रहे थे कि कुछ बीमारी हो गई। नहीं, कहाँ कहाँ बीमारी होगी, बीमारी होती थी आप रहते थे क्या कॉल पे? नहीं ना, नहीं कॉल पे नहीं रहते थे आप, बात नहीं कर सकते थे कोई बीमारी थी। आप आपके दिमाग में घुसे है, दिमाग में विचार चालू है बीमारी बीमारी बीमारी, बीमारी है नहीं। तो इस वो निकालने के लिए क्या करना चाहिए पड़ेगा, कौन सी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी? वही जो अभी चालू है आपको समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आएगा समझ में कि आपको एक्शन लेनी पड़ेगी। और जो पास्ट से आ रहा है इसका आपने सुना होगा, आप कभी आप खुद बीमार पड़े होंगे, कोई सीरियस हुआ होगा, वो मर गया होगा कहीं से, तभी ये डर आया। आप जब 4 साल के बच्चे थे तो ये डर नहीं था, बाद में कुछ तो भी हुआ और डर डर बैठ गया। वो आपको कहीं तो भी पास्ट में हुआ है वो आप पकड़ के बैठे, वो पास्ट में डाल दो। बोला अरे वो तो पास्ट में हुआ है, कुछ नहीं है। ये विचारधारा आपको नहीं लानी पड़ेगी, और एक दिन तो आपको मरना ही है। नहीं वो तो वो समझता है सब, लेकिन पक्का मरना है, फिर क्यों चिंता करते, एक दिन तो मरना ही है। बराबर। और आप कब मरना है मालूम है क्या आपको, कब मरने वाले? नहीं मेरे को मालूम है, मेरे को मालूम है आप कब मरने वाले। हाँ बताऊं? बताऊं क्या? हाँ बताऊं? बताइए। डरो मत फिर, डरने का नहीं। बराबर। बताऊं? हाँ आप एग्जैक्टली तभी मरने वाले हो जब आपका मरने का टाइम आ गया है, तभी आप एग्जैक्टली मरने वाले, एग्जैक्टली आप तभी मरेंगे जब आपका टाइम आया है। हाँ बराबर। एक सेकंड भी पहले नहीं मरेंगे और एक सेकंड भी बाद में नहीं मरने वाले, जब टाइम आएगा ना तो आपको मरना ही है। अब आपको मालूम है टाइम कब है तो एग्जैक्टली, मगर वही टाइम है जो टाइम पे आप मरने वाले हो, और वो तय है, वो आज नहीं है इतना पक्का है। बराबर। आप अभी मेरे से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं? हाँ। आपका एग्जैक्टली वही समय मरने वाले है जो समय आपका मरने का तय हो चुका है, ना आप पहले मरने वाले ना आप बाद में मरने वाले। बराबर। फिर क्यों डरते हो? है ना, सब तो दिमाग में है, सब दिमाग में है। बराबर। तो आपको क्या करना है, बार बार ये करना है कि भाई ये भूतकाल में हुआ है, ये भूतकाल में डाल दो। अभी आपके सामने क्या, अभी आपके सामने मैं हूँ वीडियो के ऊपर, इतने सारे 88 लोग है, 88 लोग है, हम बातचीत कर रहे हैं। अभी आपको क्या हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है। बराबर। मगर आप जो पकड़ के बैठे, मुझे बीमारी है, मुझे बीमारी है, मुझे बीमारी है, बस विचार चालू है, एक्चुअली तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो विचार जो चालू है वो विचार फालतू के है, इरिलेवेंट है, उसको कोई महत्व देने का नहीं है विचारों को। बराबर। लेकिन ये एंग्जायटी आ जाती है इसकी वजह से। अरे दो ना, एंग्जायटी तो आ गई, एक दिन तो मरना ही है, और वो तभी एग्जैक्टली वही समय मरना है जो समय पे अपना तय हो चुका है, कोई चिंता मत करो। ठीक है ओके, थैंक यू सर। ओके, तो काफी समय हो चुका है, सबको बहुत धन्यवाद। ये हफ्ते में आपने ये देखना है कि आपको फियर ऑफ फेलियर कहाँ है, और फेलियर आपको है इसलिए आप काम नहीं कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो आपका कम्फर्ट जोन जो है वो आपको इतना प्यारा हो चुका है कि आप छोड़ नहीं रहे आपका कम्फर्ट जोन, इसलिए आप नया काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फिर आपको ऐसे ही मरना है क्या? अभी देखो अंता जी, कि आपको यदि कंफर्ट जोन ऐसे रहना है तो एक दिन आ जाएगा, एक दिन आप चले जाएंगे, है ना। फिर उसके पहले कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करो, कंट्रीब्यूशन में रहो, लोगों को कुछ ना कुछ दो। तुमको आपको कुछ जरूरत नहीं है कमाने की, तो कम से कम कंट्रीब्यूट करो लोगों को, डू समथिंग फॉर अदर्स। मैं हरदम ऐसा बोलता हूँ कि डू समथिंग फॉर अदर्स हु कैनॉट पे यू बैक इन काइंड और कैश। लोगों के लिए ऐसा काम करो, ऐसे लोगों के लिए काम करो, ऐसे लोगों के लिए काम करो कि जो लोग आपको पैसे में या और कोई भी वस्तु में अपने किया हुआ जो एहसान है वापस नहीं कर पाएंगे, वो वापस कर नहीं पाएंगे, ऐसे लोगों के ऊपर एहसान। मतलब आपको कोई अपेक्षा ही नहीं है कि उनसे कुछ मिलेगा, ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ करो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। एक नया नाम दिख रहा है डॉक्टर अंकित सिंह, इसलिए मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। अंकित सिंह बोलिए, पहली बार दिख रहे आए हुए। यस अंकित सिंह, डॉक्टर अंकित सिंह अर्कवंशी, बोलिए। आपको अनम्यूट किया है मैंने, अनम्यूट हो जाओ।
अनम्यूट नहीं हो रहे, अनम्यूट हो जाओ, नहीं हो रहे, ठीक है, ओके, सो थैंक यू वेरी मच, अभी समय हो चुका है, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमारा समय 9 बजे का ही है, सो थैंक यू वेरी मच, और अगले शनिवार को मतलब आगे परसों मिलेंगे, डे आफ्टर टुमारो, ठीक है ना, तो 8 बजे, हाँ जी सर, मैं पंकज को बोलना चाहता हूँ, पंकज जी को, कि भाई अपन जो ये सेटिंग में ना सर, सेटिंग में अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू, तो उसके नीचे ऑप्शंस रहते हैं, तो उसमें एक शेयर स्क्रीन का ऑप्शन रहता है सर, वो हमेशा क्लोज करना पड़ता है, वो क्या है, ओपन रहता है हमेशा, मैं हमेशा आते बराबर उसको क्लोज करता हूँ पहले। अच्छा, तो अलाउ और पार्टिसिपेंट्स टू, देखो आप लिखा है सिक्योरिटी में जाओ और उसमें लिखा है अलाउ ऑल पार्टिसिपेंट्स टू, फिर उसके नीचे है देखो प्रॉब्लम आ जाता। आज मैंने रिमूव किया सर, इसमें एक कोई सैमुअल था और एक मार्टिन था, उनके स्क्रीन पर ऐसे डांसिंग हो रहा था कुछ, तो भी मैंने उनको रिमूव कर दिया था स्टार्टिंग में, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये सनी को भी बोलना है और इनको भी, कि भाई ये अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू शेयर स्क्रीन है, ये ओपन रहता है हमेशा, तो ये क्लोज करना है हमें। ओके ठीक है सर, धन्यवाद सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे शनिवार को, परसों, तो यही लिंक रहेंगी पंकज, तो लिंक यही रहेंगी शनिवार को, और शनिवार को सब लोगों ने आना है, और ये शेयर करो कि आपका कम्फर्ट जोन कहाँ है, फियर ऑफ फेलियर कहाँ है, और आप कारण कहाँ कहाँ दे रहे हो, कारणों की दुनिया में आप कहाँ कहाँ जीते हो। थैंक यू।